एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं पायल शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लेसन आज का मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फास्ट ढोलक आप कैसे बजाएं, क्योंकि देखिए शादी के सीजन चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ढोलक आ जाए बजाने। तो आज के लेसन में मैं आपको दो तरीके की ढोलक बजाना बताऊंगी कि आप कैसे बजाएं फास्ट ढोलक। दो तरीके का लेसन इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कि अगर किसी को एक तरीका ना समझ में आए तो उसको दूसरा तरीका जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप बजा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा ताकि आप एक अच्छी फास्ट ढोलक बजाने लगे, और जब आप इसको बजाएंगे ना तो अगर किसी का डांस करने का दिल कर रहा है तो वो भी जरूर इस पे डांस करने लगेगा। तो आइए सीखते हैं, देखिए आपने कैसे बजाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया स्टार पायल वत्स को तो जरूर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा, और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो करें, फेसबुक ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास ढोलक की लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इन सब का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां से आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं, उठा लीजिए आप भी अपनी ढोलक और हमारे साथ साथ बजाते रहिए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका आपको बताऊंगी। तो देखिए आपने चाटी पर कैसे बजाना है, चाटी पर देखिए आपने ऐसे बजाना है। यहां पर आपने पहले बजाना है, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार, फिर जहां चार बजा रहे हैं वहीं पे आपने पांच बजाना है, फिर छह सात। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, पहले धीरे धीरे आप समझ लीजिए कैसे मैं बता रही हूँ, फिर इसको फास्ट हम बजाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, 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 मतलब जहां पे आप चार बजा रहे हैं वहीं पे आपने पांच बजाना है। बिल्कुल किनारे पे और आप अपनी ढोलक को बजाया करें, या बीच में ना बजाएं, अच्छी आवाज नहीं निकल कर आएगी फ्रेंड्स, यहीं साइड में बजाया करें। एक दो तीन चार पांच छह सात, बहुत अच्छा लेसन है, और इसको जब बजाएंगे ना तो देखिए आपका भी मन करेगा कि हम भी डांस करने लगे। एक दो तीन चार पांच छह सात, अब आप इसको देखिए लय में कैसे बजाएंगे। आपने लय में इसको ऐसे बजाना है, अभी बेस पर भी मैं बताऊंगी और फिर हम इसको मैचिंग करके आपको बताएंगे। ऐसे आपने इसकी लय बजानी है, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे आपने इसकी लय बजानी है। एक दो तीन चार पांच छह सात, 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 पहले धीरे धीरे एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, फिर फास्ट कर दीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात। पहले इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा फिर आप मैचिंग करिए। यहाँ पर हो गया चाटी पर, अब बेस पर देखिए आपने कैसे बजाना है। जब आप दोनों की मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपने तीन बार बजाना है, मतलब यहाँ पर खुला बेस बजाना है आपने, एक दो तीन, और चार पर बंद बेस, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो देखिए आपने इसको मैच कैसे करना है।
ऐसे बताती हूँ यहीं पर ढोलक पर। जब आप यहाँ पर बजाते हैं चाटी पर चार बार, तो यहाँ पर आपने तीन बार बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार बजाएंगे तो यहाँ पे आपने तीन बार बजाना है। तो आपने यहाँ बजाया, फिर जब आप यहाँ पे बजाते हैं छह सात, तो आपने यहाँ पे बंद बेस बजाना है। देखिए कैसे, पूरा मैं आपको बताती हूँ, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार बार और यहाँ पे तीन बार, एक दो तीन चार, पांच खाली बजाना है और फिर छह सात। जब आप यहाँ पे बंद बेस में बजाएंगे तो छह सात बजेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप पांच बजाएंगे तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं बजेगा, जब चाटी पर आप पांच बजाएंगे तो बेस आपने नहीं बजाना है। देखिए यहाँ पे बता देती हूँ एक बार मैं आपको, एक दो तीन चार, यहाँ पे तीन बार बजेगा और जब पांच आप बजाएंगे तो यहाँ पे आपने नहीं बजाना है, और फिर छह सात जब बजाएंगे तो बंद बेस बजेगा। एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरीके से आपने बजाना है। और देखिए जब आप इसको मैच करेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत एक साउंड निकल कर आएगा। देखिए इस तरीके से साउंड निकल कर आएगा। तो अब मैं बात करती हूं कि दूसरा तरीका आपने कैसे बजाना है। देखिए वो ऐसे है, उसमें आपने जो बेस है ना वहां पे आपने टू टाइम बजाना है, मतलब जो आप यहाँ पे थ्री टाइम बजा रहे थे वो आपने टू टाइम बजाना है। कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, उसमें हम तीन बार बजा मतलब चार बार बजा रहे थे, एक दो चार पहले वाले में, इसमें आपने बजाना है एक दो तीन, एक दो तीन। बस थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको आ जाएगी। देखिए और यहाँ पर चाटी पर आपने बजाना है, ये आपने ग्रुप फिंगर से स्टार्ट करनी है, वो हमने इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करी थी, यहाँ पर आपने ग्रुप फिंगर स्टार्ट करनी है। देखिए एक दो तीन, यहाँ पे चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। तो आपने क्या नोट करा होगा कि जो इंडेक्स चाटी वाली साइड है वहां पर भी जो हमारी एक मात्रा है वो कम हो गई है, उसमें सात थी और इसमें छह हैं, और जो बेस वाली साइड है वहां पर हम चार बार बजा रहे थे और यहाँ पे तीन बार बजाना है, तो एक एक मात्रा हमारी कम हो गई है। पर देखिए उस एक एक मात्रा की वजह से ही साउंड में कितना फर्क आता है। आपने इसको लय में कैसे बजाना है देखिए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, 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 बजाना है एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पर आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए आपने इनकी मैचिंग कैसे करनी है।
आप यहाँ पे दो बार बजाएंगे तो यहाँ पर आपने तीन बार बजा देना है। देखिए कैसे, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब यहाँ पे जब आप तीन बार बजाएंगे तो यहाँ पे आपने दो बार बजाना है, एक दो तीन। चार पर आपने बेस नहीं बजाना है, चार खाली बजेगा। और जब आप यहाँ पे बजाएंगे पांच छह तो फिर यहाँ पे आपने बंद बेस बजा देना है। देखिए एक दो तीन चार पांच छह, 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 एक दो तीन चार पांच छह। तो आपने देखा कि एक एक मात्रा कम करने से हमारी जो साउंड है उसमें कितना फर्क आया। अब जब आप इन दोनों की मैचिंग करेंगे, पहले आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे मैचिंग इसकी, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। और जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको धीरे धीरे फिर फास्ट कर दीजिए। कर दीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। इन दोनों में से जोन सी भी ताल आपको इजी लगी हो, सात वाली काउंटिंग या छह वाली काउंटिंग, जो भी आपको अच्छी लगी हो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी पसंद आया तो आपका प्यारा सा लाइक मुझे मोटिवेट करता है, लाइक जरूर करा करें कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते जी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।